स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, तो बहुत जल्द बीसीसीआई की मीटिंग की शुरुआत होगी और वेस्ट इंडीज दौरे के लिए इंडियन टीम को रवाना होना है। टेस्ट मैचेस, टी20 मैचेस, वनडे मैचेस, वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में क्रिकेट जगत में वेस्ट इंडीज उतने मजबूत अपोनेंट्स नहीं है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इस मीटिंग के मायने बहुत ज्यादा है। कप्तान विराट कोहली खुद यहाँ पर है, पांचों चयनकर्ता यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आपको आने वाले भविष्य में इंडियन क्रिकेट की रूपरेखा तय करनी है। वनडे क्रिकेट के बाद, वनडे वर्ल्ड कप प्रदर्शन की हार के बाद आप किस तरीके से नई वनडे टीम खड़ी करेंगे, 15 महीनों बाद टी20 वर्ल्ड कप होना है तो उसके लिए किस तरीके की टीम आप तैयार करने की स्थिति में है, और साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में क्या कोई बदलाव किए जा सकते हैं आने वाले सालों में, ये सारे बड़े फैसले चयनकर्ताओं को यहाँ पर करने हैं। सबसे पहले कप्तान के साथ फिजियो जो पैट्रिक फरहत है वो यहाँ पर मौजूद थे, तो जो खिलाड़ियों के फिटनेस अपडेट दी जाएगी, लेटेस्ट फिटनेस अपडेट जो हमारे पास है वो ये है कि शिखर धवन अवेलेबल है, विजय शंकर अवेलेबल नहीं है, उनकी चोट अब तक हील नहीं हुई है, पृथ्वी शॉ अवेलेबल नहीं है, और साथ साथ हार्दिक पांड्या हालांकि फिट अनफिट एंड आउट तो नहीं है, लेकिन उन्हें रेस्ट देने की संभावना है क्योंकि उन्हें निगल जो बैक निगल है वो लगातार परेशान करती रही है, और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव को देखते हुए उन्हें आराम दिया जा सकता है। तो ये फिटनेस अपडेट है। बड़े फैसले चयनकर्ताओं को क्या करना है, तीनों टीमों को अगर मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा फैसला शिखर धवन को लेकर करना है। क्या वो ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी के रूप में चयनकर्ता उन्हें देखते हैं, क्या उनकी टी20 क्रिकेट में जगह बनती है, क्या उस स्ट्राइक रेट से वो टॉप ऑफ द ऑर्डर रन बना सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कोई बदलाव की जरूरत है, इस पर आपको फैसला लेना है। वनडे क्रिकेट में शिखर धवन अव्वल खिलाड़ी है, जो उन्होंने वर्ल्ड कप में भी दर्शाया था, जो मुकाबला उन्होंने खेला, और यहाँ पर वो अगर बने रहेंगे तो ताजुब की बात नहीं होगी। क्या टेस्ट क्रिकेट में शिखर धवन को आप एक काबिल ओपनर के रूप में देखते हैं, यहाँ पर कोई बदलाव की जरूरत है? आने वाले दिनों में बहुत सारे घरेलू मैचेस आपको खेलने हैं। वेस्ट इंडीज दौरे के बाद साउथ अफ्रीका इंडिया आएगी, जिम्बाब्वे का इंडिया का दौरा है, बहुत सारे सीरीज है, तो यहाँ पर क्या शिखर धवन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में फिट बैठते हैं, इस पर फैसला करना है। दूसरा अहम फैसला आपको कुलदीप यादव को लेकर करना है। अब कुलदीप यादव कुछ महीनों पहले आपके ट्रंप कार्ड मानकर हम चल रहे थे, वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन कुल मिलाकर देखा जाए तो फीका ही रहा, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो खेल नहीं पाए, कुछ मैचों में बड़े रन चहल और कुलदीप की जोड़ी के चलते भी हुए जो ताजुब की बात थी, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके जो रिस्क स्पिनर्स जो कुल मिलाकर विकेट टेकिंग ऑप्शंस के रूप में हम देख रहे थे हर मुकाबले में वो नहीं चले, और कुलदीप को लेकर खासकर इस लुकिंग शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इसे किस तरीके से आप डील करेंगे ये फैसला अहम होगा कि आप कुलदीप को वेस्टइंडीज़ जो कंपैरेटिवली कमज़ोर अपोनेंट है एक और मौका देंगे और उन्हें फिर एक बार फॉर्म में और लय में आने की कोशिश करेंगे, या फिर ये फैसला करेंगे कि फिलहाल कुलदीप से बेटर ऑप्शन है तो सेंड हिम बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, कुछ समय बाद उन्हें लौटने का मौका दिया जाए, कि हर फॉर्मेट में वो फिट होते हैं, ये अहम फैसले चयनकर्ताओं को करना है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में कुलदीप आपके लिए अब भी अव्वल ऑप्शन है, और ताज्जुब की बात होगी अगर वो चुने नहीं जाएंगे, तो ये एक बड़े फैसला उन्हें लेना है। कुल मिलाकर आप किस तरीके से यंगस्टर्स को ग्रूम कर सकते हैं, कितने यंगस्टर्स को मौका दे सकते हैं, ये भी अहम फैसला होगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट की बात करें तो मिडल ऑर्डर आपकी कमज़ोर कड़ी थी, ये साबित हुआ विश्व कप में, केदार जाधव नहीं चले, दिनेश कार्तिक नहीं चले, MS धोनी इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, इस सीरीज़ के लिए, तो तीन ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, नए खिलाड़ियों को आप मौका दे सकते हैं। अब शुभमन गिल वेस्ट इंडीज़ में ऑलरेडी है इंडिया ए टीम के साथ, मनीष पांडे इंडिया ए टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ में ऑलरेडी है, साथ साथ श्रेयस अय्यर भी वहाँ पर है, क्या ये तीनों खिलाड़ी एक रेडी ऑप्शन हो सकते हैं, इसका फैसला चयनकर्ताओं को लेना है वनडे क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में। और कुल मिलाकर और बुमराह यहाँ पर रेस्ट करेंगे, ये तो हम तय मानकर चले, खासकर टी20 और वनडे मैचेस में, टेस्ट मैचेस में शायद वो टीम में बने रहे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत होनी है, हर टेस्ट के एक मायने हैं, तो जो फास्ट बॉलिंग में अगर आप शमी और बुमराह जैसे खिलाड़ी को रेस्ट देते हैं तो किन्हें मौका मिलेगा, क्या खलील आएंगे, क्या नवदीप सैनी आएंगे, ये फैसले चयनकर्ताओं को करना है। और जो बड़ा अहम फैसला चयनकर्ताओं को करना है, आपको टी20 क्रिकेट में सुधार की ज़रूरत है। IPL जो दुनिया की सबसे मशहूर क्रिकेट लीग है, सबसे रिच क्रिकेट लीग है, यहाँ से सारे खिलाड़ी आते हैं, बावजूद इसके इंडिया की टी20 टीम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाती जो इंडिया की वनडे टीम करती है या फिर इंडिया की टेस्ट टीम करती है, ऐसा क्यों? इसका फैसला चयनकर्ताओं को निकालना होगा, इसका सोल्यूशन निकालना होगा, और यहाँ पर कुछ रेडिकल बदलाव के साथ एक टी20 टीम खड़ी करने की क्या चयनकर्ता कोशिश करेंगे, इस पर लोगों की नज़र होगी। क्या आप मयंक मार्कंडे जैसे जो मिस्ट्री लेग स्पिनर है, क्या उन्हें मौका देंगे? वो पिछले सीरीज़ में अगर आपको याद हो अवेलेबल थे, टीम के मौजूद थे, तो क्या उन्हें मौका मिलेगा? क्या आप कुलदीप और चहल के साथ ही जाएंगे? रविंद्र जडेजा आज की तारीख में अब हर फॉर्मेट में खेलने चाहिए, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर वो उस न्यूजीलैंड वाले मुकाबले से आए थे, तो क्या जडेजा को आगे आप मौका देंगे? दूसरे कौन से बदलाव टॉप ऑफ द ऑर्डर टी20 क्रिकेट में आप क्या कर सकते हैं? क्या आप एक रेडिकल रूप बदलाव के रूप में शुभमन गिल को टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित शर्मा के साथ ओपन करने का मौका देंगे?
विराट की पोजीशन टी20 क्रिकेट में कैसी होगी, नंबर 3 पर आएंगे क्या, वो ओपन करेंगे, ये फैसले करने हैं, मिडल ऑर्डर का स्वरूप क्या होगा। धोनी को लेकर यहाँ पर आपको कोई बड़ा फैसला इसलिए नहीं लेना क्योंकि धोनी ने कुछ हद तक आपका काम आसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज़ दौरे में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन धोनी कैंप से ये भी खबर आ रही है कि धोनी अब तक रिटायर नहीं हो रहे हैं। तो अब चयनकर्ताओं को ये फैसला करना होगा कि अगले 15 महीनों में टी20 विश्व कप है, धोनी को लगता है कि उनमें क्रिकेट बाकी है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? विराट कोहली के साथ ये डिस्कशन होना चाहिए। हालांकि ये चयन करती है, चयन समिति ये फैसला करेगी, कोई डिलिब्रेशन होगा, डिस्कशन होगा, ये इस समय कोई प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन ये चयन समिति पर सवाल उठते रहे हैं ये कि ये लाइटवेट सिलेक्शन कमेटी रही है, ज़्यादातर फैसले टीम मैनेजमेंट ही लेती आ रही है, लेकिन धोनी के भविष्य लेकर भी आपको कोई फैसला करना होगा। अगर आपको लगता है कि टी20 क्रिकेट में उनके पास क्रिकेट बाकी है, अगले टी20 क्रिकेट में आप धोनी आपके लिए यूटिलिटी प्लेयर देखते हैं, तो आप उन्हें आने वाले दिनों में चयन करेंगे, तो क्या वो स्कीम ऑफ टीम्स में बैठते हैं, इस पर कोई डिस्कशन होगा या नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टी20 वनडे और टेस्ट मैचेस की जो टीम जो भी हो, लेकिन डिस्कशन वाइडर रेंज ऑफ थिंग्स पर होना है, आगे का पर्सपेक्टिव आपको इंडियन क्रिकेट के लिए तय करना है, इस मायने से देखा जाए तो चयन समिति के काफ़ी मायने हैं।